वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज, कल हमने पियाजे पे वीडियो लिया था और आज हम लोग कोहलबर्ग पे वीडियो ले रहे हैं। आशा करता हूँ गाइज, किससे सबको साफ रहेगा और आपको शायद दोबारा कोहलबर्ग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं सीधा सीधा। पहला, कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है। मैं हट जाता हूँ, इधर आता हूँ। इनफैक्ट कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए नैतिक परिस्थिति, ऑप्शन बी नैतिक तर्कड़ा, ऑप्शन सी नैतिक न्याय, ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो गाइज, आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह कह के पूरी दुनिया को चौंका दिया कि विकास सीधी रेखा में नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा अपने जिंदगी के हर कदम पे हम एक दोराहे पे खड़े हैं, आर्ट लें कि साइंस लें। सुना गाइज, सही गलत, गणित की विज्ञान, बायोलॉजी की मैथ्स। कहने का सेंस ये है गाइज कि हम एक दुविधा में फंसे हुए हैं और हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, इधर पिताजी बीमार हैं, उधर स्कूल में एग्जाम का अंतिम डे है, वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि वो स्कूल जाए या पिता की सेवा करे। यही कहलाती है नैतिक दुविधा। तो गाइज, आप समझ रहे हो, नैतिक परिस्थिति सही उत्तर नहीं है, नैतिक न्याय सही उत्तर नहीं है, नैतिक विकास नहीं है, और इसका उत्तर है नैतिक तर्कड़ा। और इसी का एक पार्ट है नैतिक दुविधा। ध्यान से सुनिएगा, नैतिक तर्कड़ा में ही नैतिक दुविधा आती है, जो कि फिर से सुनिएगा, खुद कोहलबर्ग के सिद्धांत का पासवर्ड है। विकास नैतिक तर्कड़ा या नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, अर्थात विकास सीधी रेखा में नहीं होता। अगर सोचो यार, विकास सीधी रेखा में होता तो हर आदमी बिल गेट्स बनना चाहे। अगर आप इस मामले को समझ रहे थे, बहुत हंसने वाली बात है। हमारी इच्छा से अगर विकास हो तो हम तो ये चाहेंगे पूरी दुनिया हमारे कब्जे में हो, पर क्या ऐसा होता है? उत्तर है नहीं। अर्थात मनुष्य हर एक निर्णय प्रक्रिया में दोराहे या नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा में फंसा होता है। आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी। अब आएंगे अगला, देखेंगे कोहलबर्ग की किस अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। तो गाइज एक बार चलेंगे, तो अब आप देखिए, प्रथम अवस्था तो हम एक बार देखेंगे, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। तो इसका उत्तर है दोस्त, एक बार ध्यान से सुनेंगे, इसका उत्तर है, एक बार मैं चाहूँगा आप भी टाइम ले सकते हैं, फिर से एक बार सुनेंगे, प्रथम अवस्था या द्वितीय अवस्था या तृतीय अवस्था या कोई नहीं। तो गाइज, इसका उत्तर है प्रथम अवस्था। चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिद्धांत में नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा बनती है, पर यह तो तभी संभव है जब दो ऑप्शन बनेंगे, तभी तो दुविधा होगी। यहाँ देखिएगा, उनका प्रथम चरण जिसे हम पूर्व परंपरागत कहते हैं, पूर्व परंपरागत, और यहाँ पे दो दोराहे पे बच्चा खड़ा है। यहाँ पे है स्वार्थी बच्चा और यहाँ पे है माता पिता का दंड एवं आज्ञा पालन। अगर आप देख रहे हो गाइज, तो एक तरफ स्वार्थी बच्चा है, कह रहा है कि सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, इधर माता पिता दंड एवं अनुशासन, ज़्यादा मत खा और ना बीमार हो जाएगा। बच्चा कन्फ्यूज हो गया, पहले से ही बता चुका हूँ नैतिक दुविधा इसका पासवर्ड है। बच्चा कन्फ्यूज हो गया है कि मैं आइसक्रीम खाना जारी रखूँ या कुछ मैंने गड़बड़ झाला किया है तभी पापा मुझे मना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है कि बच्चा दुविधा में फंस जाएगा। इसलिए सही उत्तर है प्रथम अवस्था, यहाँ स्वार्थी बच्चा है, क्योंकि नैतिकता होती तो दूसरे के हिस्से की आइसक्रीम क्यों खाता। और प्रश्न क्या है, कोहलबर्ग की किस अवस्था में नैतिकता की उपस्थिति नहीं रहती? तो सही उत्तर है मेरे दोस्त, क्या, प्रथम अवस्था। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है गाइज, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार रूप बदल के पूछा गया है सीटेट में। तो गाइज एक बात सुनेंगे, इसकी पूर्णता, कोई भी सिद्धांत अपूर्ण क्यों देगा, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं है। इसके चरण एकदम परफेक्ट हैं, यह भी हमारा उत्तर नहीं है। नैतिक दुविधा तो इसकी जान है, इसलिए यह भला आलोचना कैसे हो सकती है, आप भी समझते हैं। तो सही उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत में पुरुषों की केवल बात की गई है, औरतों की नैतिकता की कोई बात नहीं की गई है। सो गाइज, आई होप डी इज द राइट आंसर। फिर से सुनेंगे, एक्चुअली आपको कहानी बता देना चाहूँगा जिससे यह घटना, जहाँ से यह सिद्धांत नैतिक तर्कड़ा और दुविधा का पैदा हुआ। एक आदमी था हाइने, जिसकी बीबी को कैंसर हुआ था, उसकी बीबी मर रही थी, अचानक पड़ोस के डॉक्टर ने वह दवा खोज निकाली जो उस कैंसर का इलाज था। बेचारा हाइनेस पैसे लेके डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने जब देखा, एक होता है ना गाइज, एक कस्टमर होता है तो हम दाम बढ़ा देते हैं, डॉक्टर साहब ने आविष्कार का मालिक होने के कारण दवा का दाम 10 गुना बढ़ा दिया। बेचारा हाइनेस समझ नहीं पाया और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने रात को दरवाज़ा तोड़ के दवा चुरा ली। सुनिए कहाँ से नैतिक तर्कड़ा का जन्म हुआ।
कोहलबर्ग ने कहा तुम गारंटी से नहीं कह सकते कि कौन गलत है, डॉक्टर या हाईनेस, क्योंकि आप भी जानते गाइज अगर किसी का दवा चुराना गलत बात है तो एक दवा को 10 गुने दाम पर बेचना भी गलत बात है। अर्थात हम फंस चुके हैं किस में, नैतिक दुविधा में। यही तो कहा मैंने आपको शुरू में, यह निश्चित नहीं हो पाता कि एक्स चुने या वाई चुने, यही क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग की किस अवस्था में व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, तो दोस्त प्रथम अवस्था में बता चुका हूँ स्वार्थ और अनुशासन है, यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। द्वितीय अवस्था में अनुकरण और आत्मनिर्भरता है, यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तृतीय अवस्था भी नहीं हो सकती, सॉरी चतुर्थ अवस्था है ही नहीं, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है, उत्तर है तृतीय अवस्था। तो चलिए एक बार देखते हैं तृतीय अवस्था में क्या है। तृतीय अवस्था को हम कहते हैं उत्तर परंपरागत या उत्तर नैतिक काल। इसमें दो चरण हैं, पहला है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध, और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि चरण लड़ेंगे तभी तो बनेगी नैतिक दुविधा। और अब याद देखिए सामाजिक अनुबंध क्या कहता है, चोर मतलब कि तुम भी चोर हो मैं भी चोर हूँ, भला हम पुलिस के पास क्यों जाएंगे, अर्थात अच्छा कोई नहीं है, हमारे बीच एक समझौता हुआ है कि हम एक दूसरे, सामाजिक अनुबंध क्या होता है, सामाजिक समझौता, हमारे बीच एक अनुबंध हुआ है कि हम एक दूसरे की पोल नहीं खोलेंगे, इसलिए दोस्त यह है अपना स्वार्थ साधना। पर यहाँ सार्वभौमिक नैतिकता, दूसरे का भला जरूर हो, दूसरे का भला, और गाइस दूसरे का भला, इसलिए हमारा उत्तर होगा तृतीय अवस्था या तीसरी अवस्था। अगला, किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, फिर से सुनेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग की किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप दोस्त एक बार देख ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़ा आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो साफ साफ लिखा है पहली अवस्था में क्या, स्वार्थी बच्चा सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, मतलब इसके अंदर तो कोई नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता कौन ला रहा है, दंड एवं आज्ञा पालन, माता पिता कि भाई ज़्यादा मत खा, दूसरे का हिस्सा खाना गलत है, तो इसके अंदर कोई भी नैतिकता नहीं है, नैतिकता माता पिता बाहर से ला रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है पूर्व परंपरागत अवस्था। और ऑप्शन 6 तुम अपने पड़ोसी श्रीवास्तव जी के बेटे जैसा क्यों नहीं बनते, यह किस अवस्था में आएगा। ऑप्शन ए दंड एवं आज्ञा पालन, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिकता, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध। तो एक बार चलेंगे आपको दिखाते हैं, तो आप समझ रहे हो दंड और आज्ञा पालन तो बिल्कुल नहीं, आप देख ही रहे हो सार्वभौमिक नैतिकता सबका भला हो, तो यहाँ भला होने जैसी कोई बात नहीं हो रही, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं है, यह भी हमारा उत्तर नहीं है। और ये आप देख ही रहे हो एक दूसरे का स्वार्थ साध रहे हैं, कोई भी अच्छा नहीं, अर्थात यह भी उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था। थोड़ा आपको बता दूँ ये क्या है, यह द्वितीय अवस्था है और ये कुछ ऐसा दिखती है। दूसरी अवस्था, इसके 2 चरण हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा है द कानून व्यवस्था अवस्था अवस्था। तो आप समझे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का पासवर्ड है अनुकरण, और इधर है आत्मनिर्भरता। वैसे अगर आप समझ रहे हैं तो आप पहले ही समझ गए होंगे, या तो आप दूसरे की नकल कर सकते हो या तो आप खुद आत्मनिर्भर हो सकते हो। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था क्या कहती है कि जैसे आपने देखा होगा, मतलब कोहलबर्ग कहते हैं कि मोहल्ले के सफल, हम यहाँ पे वापस आ रहे हैं वहाँ देख के, कोहलबर्ग ये कहते हैं कि देखो गाइस हम बचपन पास करके आए हैं, मोहल्ले के सफल लोगों का हमें पापा उदाहरण तैयारे आ रहे, देख शर्मा जी का बेटा बैग लेके जा रहा है, अपन सो के उठते हैं एकदम यू झूलते झूलते जाते हैं, 4 बजे तक चैटिंग किए हो, जैसे ही सो रहे हो तभी पता चला शर्मा जी के बेटे ने लाइट ऑन कर दी, अब पापा बिगड़ गए, ए गधे उठ देख शर्मा जी का बेटा पढ़ रहा है, अब अपन झूलते हुए उठते हैं। दोस्त कहने का मतलब ये है कि हमें अनुकरण करना सिखाया जाता है उन लड़के और लड़कियों के दम पर जो हमारे माता पिता की निगाह में सफल लोग होते हैं। जैसे आप देख सकते हो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, तो आप समझ गए होंगे यहाँ फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि आप क्या है अपने पड़ोसी शर्मा जी श्रीवास्तव जी के बेटे जैसा बनो, इसलिए सही उत्तर क्या है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। चोर चोर मौसेरे भाई, अभी अभी आपको यहाँ दिखाया है गाइज, मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार देखें,
सामाजिक अनुबंध, जैसे एक चोर है दूसरे चोर से मिला, भला वो पुलिस के पास क्यों जाएंगे, मत सोचना, मतलब इसके लिए कोई कानून लिखे जाने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो खुद ही दोनों चुप्पी मार लेंगे यार कि तुम भी चोर हो मैं भी चोर हूँ, अपन पुलिस के पास भला क्यों जाएंगे। अर्थात चुप्पी मार मार के अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, बेहतर कोई नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, अब आप देखेंगे चोर चोर मौसेरे भाई कोहल वर्ग की किस अवस्था में आता है, तो आप समझ ही गए होंगे, सामाजिक अनुबंध, मैं भी गंदा हूँ आप भी गंदे हो, चलो अपन चुप्पी मार के बैठते हैं। अगला कोहल वर्ग का सिद्धांत दिखाता है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कोहल वर्ग ने क्या कहा कि विकास वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, अर्थात विकास नहीं होता सीधी रेखा में, ये सारे गलत हैं गाइस, आप अब तक समझ गए होंगे, बाकी ऑप्शन उससे खुद ही आ रहे हैं। शिक्षक बच्चों में नैतिकता का विकास कर सकता है, तो आप देख ही रहे हैं दोस्त क्या है, उन्हें पुरस्कार देकर, बी उन्हें धार्मिक शिक्षा देकर, ऑप्शन सी उन्हें दंडित करके, ऑप्शन डी उन्हें नैतिक चर्चा में शामिल करके। तो दोस्त हम क्या देखते हैं कि शिक्षक नैतिकता का विकास कैसे करेगा, पुरस्कार देकर नहीं, तो एक बात तो समझ रहे हैं सिद्धांत का पासवर्ड है नैतिक तरकड़ा या नैतिक दुविधा, तो नैतिक दुविधा में बच्चा कब पढ़ेगा, पुरस्कार देने से भला कैसे पढ़ेगा, धार्मिक शिक्षा से नहीं पढ़ेगा, दंडित करने से नहीं, बल्कि उन्हें चर्चा में जब शामिल करेंगे, जब वो खुद नैतिक दुविधा में शामिल होंगे तब उन्हें पता चलेगा नैतिक तरकड़ा क्या है। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या है, डी। और अब आएंगे कोहल वर्ग, लास्ट के दो क्वेश्चन, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण दिए हैं, तो पहले ही बता चुका हूँ तीन दिए हैं। क्या पहला आप जानते हुए, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार सुन लेंगे, जिन लोगों को नहीं मालूम एक बार लिख सकते हैं, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत या नैतिक अवस्था दूसरा, तीसरा उत्तर परंपरागत या उत्तर नैतिक अवस्था, इसलिए इसका उत्तर क्या है, तीन। अब आएंगे कोहल वर्ग का सिद्धांत किस उम्र के लोगों पर प्रयोग किया गया, तो आपको थोड़ा बता दूं यह सिद्धांत सीधा आप लिख लीजिएगा यूपी टेट के लिए शायद इंपॉर्टेंट है, यह सिद्धांत 10 से 16 एक बार देखेंगे यह सिद्धांत 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया गया। आशा करता हूँ गाइज कि 10 क्वेश्चन मील के पत्थर साबित होंगे, और आपको लगेगा प्लीज़ शेयर करिए, अच्छे से शेयर करिए, गरीब लोगों को, ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ जस्ट डू शेयर और जस्ट इन्जॉय करिए गाइज, एंड प्लीज़ सेंड मी योर फीडबैक, थैंक यू।